हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटर में। मैं विरत दुबे आप लोगों को आज GS बूस्टर की नेक्स्ट सीरीज लेकर के आया हूं, क्विक रिवीजन के तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट ट्रेड प्लेसेस, एविडेंसेज और इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट वन लाइनर हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने चाहिए किसी भी एग्जाम में जाने से पहले। अगर आप हमारे बूस्टर को देखते हैं, बूस्टर्स जितने भी अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको सारे के सारे जो है बूस्टर्स वो अच्छे तरीके से याद हो पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आपको इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन जो ये इंडस वैली है इसके प्रमुख व्यापारिक स्थलों के बारे में यहाँ पर क्रम से मैंने नाम लिख रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो बाहरी देशों से, बाहरी प्रांत से व्यापार की प्रक्रिया अपनाते थे, कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। इसमें से मुख्य रूप से अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, सोने की बात करते हैं, स्वर्ण, तो ये कर्नाटक और अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। दोस्तों, आज भी कर्नाटक में और ईरान वगैरह जैसी जगहों पर सोने की बहुत सारी खाने हैं और ये लोग भी इस सोने के प्लेसेस के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। और इससे ये पता चलता है कि इनकी भी खोज जो है हमारी तरह काफ़ी स्ट्रांग थी। कर्नाटक की काफ़ी फेमस जगह है, आपने कोलार का नाम सुना होगा, वहाँ सोने की खान है। सिल्वर की बात करते हैं, चांदी तो अफगानिस्तान और ईरान में काफ़ी फेमस है। ईरान को हम लोग उस समय फारस के नाम से जानते थे, पर्शिया के नाम से जानते थे, तो आप कहीं पर्शिया भी लिखा मिलेगा तो भी आप इसे सही लगाएंगे। ये फारस या पर्शिया एक ही नाम है, ईरान कहते हैं अब हम इसे। तो सिल्वर जो है ये कह सकते हैं ये अफगानिस्तान और ईरान से मंगाने का काम किया जाता था। इसके अलावा हम कॉपर की बात करते हैं यदि, अगर तो कॉपर खेतड़ी से और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था। खेतड़ी एंड बलूचिस्तान, ये आपको ध्यान रखना है। खेतड़ी जो है ये आपका राजस्थान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और भारत में सर्वाधिक कहा जा सकता है कि खेतड़ी से ही तांबे का प्रोडक्शन होता है या कह सकते हैं खनन होता है, उत्खनन होता है। और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के हिस्से में, यहाँ से भी कॉपर का वो लोग ट्रेड करते थे। इसके अलावा टिन की बात करते हैं, टिन सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। लेड की बात करते हैं, जिसे सीसा कहा जाता है, पीबी जिसका फॉर्मूला है, ये राजस्थान से और साउथ इंडिया के प्रांत से मंगाया जाता था। और भारत में राजस्थान का जो हिस्सा है वो लेड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गोमेद, ये जो आपको यहाँ पर ये जो चार चीज़ें, पांच चीज़ें लिखी हुई दिखाई मिल रही हैं, ये आपके प्रीसियस स्टोन्स हैं, पत्थर हैं जिनका ये उपयोग करते थे व्यापारिक कार्यों के रूप में। तो गोमेद नाम का पत्थर है, गोमेद प्रीसियस स्टोन है जिसका व्यापार शायद सौराष्ट्र प्रांत से होता था जो कि गुजरात के दक्षिणी हिस्से में है। जाम्बू मणि का प्रयोग करते थे वो महाराष्ट्र से व्यापार के रूप में। और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से में अगर देखा जाए तो वे लार्ज वर्ध मणि यानी लार्ज वर्ध पत्थर का प्रयोग करते थे, शायद वो ट्रेड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान इसी का था ऐसा बताया जाता है। ये इराक से इसका ट्रेड मिलता है, इराक को तब मेसोपोटामिया कहा जाता था। नील रत्न या इसे लापेज भी कहा जाता है, नील रत्न पत्थर जो है ये बदख्शां से मंगाया जाता है। बदख्शां जो है ये आपका अफगानिस्तान में है। कहाँ पर है ये बदख्शां? अफगानिस्तान में। तो दोस्तों, ये थे कुछ व्यापारिक स्थल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड थे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य इस सिविलाइजेशन की, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से खुदाई में मिली हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो मैं डॉकयार्ड की बात बताता हूँ आपको। डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह है, ये एक प्राकृतिक तरीके का बंदरगाह था जो कि लोथल में है। भोगुआ नदी के किनारे इस बंदरगाह को ढूंढा गया है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय का है। देवदासी की बात करें तो ये एक नृत्यकी की मूर्ति है, एक डांसिंग गर्ल है। ये डांसिंग गर्ल जो है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये कमर पे हाथ रखे हुए एक महिला की छोटी सी मूर्ति है जो कि अब संरक्षित करके रखी गई है। ठीक है, कॉटन क्लॉथ पीस मिला है, कह सकते हैं सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखेंगे। कॉटन क्लॉथ है। आर्यन अटैक्स, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विशेष रूप से लड़ना नहीं आता था, पर थोड़े बहुत युद्ध वे कर लेते होंगे आत्मरक्षा के लिए, परंतु विशेष युद्ध की कला उनके पास नहीं थी। परंतु शायद आर्यों ने इन्हें इनके ऊपर आक्रमण करके इनकी सिविलाइजेशन को कैप्चर किया या इन्हें कह सकते हैं डिफीट किया। तो मोहनजोदड़ो से ऐसे सभ्यता के ऐसे अवशेष मिलते हैं। ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है और यहीं पर ग्रेट ग्रेनरी भी है, महान विशाल कह सकते हैं अन्नागार भी मिला है, अन्न रखने की जगह ग्रेट ग्रेनरी, ये भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलती है। बोट सील, बोट मतलब नाव, नाव वाली मोहर मिली है, एक ऐसी सील मोहर है जिस पर नाव का निशान बना हुआ है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। ब्रॉन्ज स्केल यानी कि कांसे का प्रयोग भी वो लोग करते थे, इसका प्रमाण इस बात से है कि कांसे का एक पैमाना मोहनजोदड़ो से मिलता है। कांसा एक प्रकार की मिश्र धातु है, एलॉय है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की मूर्ति वाली मोहर भी आपको मोहनजोदड़ो से ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मोहनजोदड़ो से मिल रही हैं।
इसके अलावा स्पेशली दो प्रकार के ग्रेवयार्ड हैं, R37 और ग्रेवयार्ड एच, ये दो प्रकार के ग्रेवयार्ड हैं अलग अलग। ये तीन कोठरी वाले ग्रेवयार्ड आपको मिलते हैं हड़प्पा से, ये ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान है। मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की मूर्ति जो है ये भी हड़प्पा से मिली है, और हड़प्पा से एक ऐसी मोहर मिली है जिसके ऊपर ये स्वास्तिक का साइन बना हुआ है, स्वास्तिक का निशान बना हुआ, तो स्वास्तिक के निशान वाली मोहर, स्वास्तिक सील जो है ये भी आपको हड़प्पा से मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियाँ, ये आपको कालीबंगा से मिलती है, कालीबंगा राजस्थान में है, और राजस्थान के कालीबंगा का मतलब ही होता है काली चूड़ियाँ, ये भी अपने आप में कोइंसिडेंस है कि ये कैसे था। प्लर फील्ड्स अगर हम बात करते हैं, जुते हुए खेत, ये भी कालीबंगा से मिले हैं, हल के निशान मिले यहाँ से। हॉर्स स्केल्टन जो है आपको सुरकोटदा से मिलते हैं, सुरकोटदा गुजरात में एक हिस्सा है कच्छ के पास में, वहाँ पे आपको सुरकोटदा मिलता है, वहाँ से घोड़े के कंकाल मिलते हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा जाता है कि वे लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, ठीक है, और लोहे से भी परिचित नहीं थे। इसके अलावा कुछ फसलों के बारे में बात करी जाए तो राइस क्रॉप यानी कि राइस हस्क मिले हैं, जो चावल की जो भूसी होती है, खोल जो होती है, वो लोथल से मिला है। वीट क्रॉप के एविडेंसेस हमको रंगपुर से मिलते हैं। उसके अलावा बार्ले क्रॉप यानी कि जौ की खेती के प्रमाण हमको मिलते हैं बनावली से। और लास्ट में सिल्वर क्राउन यानी कि चांदी का जो ताज है वो हमको कहाँ से मिलता है, कुणाल से मिलता है। तो ये तो हो गई बात कि महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन कौन से थे। बेटा ये ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपने एक बार अगर याद कर लिया तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन से होगा तो यहाँ से ज़रूर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा, आप ये मान के चलिए। महत्वपूर्ण स्थलों की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्थल दिख रहे हैं आपको, हड़प्पा जो कि सभ्यता का महत्वपूर्ण सिटी है और इसी के नाम पर इस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रखा जाता है। तो हड़प्पा जो है वो मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, ध्यान रखेंगे मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान। दूसरा बेटा है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आपको मिलता है, मोहनजोदड़ो कहाँ मिलेगा आपको, ये लरकाना में, सिंध में, पाकिस्तान में जगह है, ठीक है, सिंध में लरकाना जो है ये आपको सिंधु नदी के किनारे, इंडस रिवर के किनारे मिलेगा, और जो हड़प्पा है, हड़प्पा आपको मिलेगा रावी नदी के किनारे, इनकी दोनों की नदियां भी आपको याद रखनी है। उसके बाद सुतका गेंडोर की बात कर लेते हैं, सुतका गेंडोर जगह जो है ये आपकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, और सुतका गेंडोर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। इसी तरीके से चनहुदड़ो है सिंध में, यहाँ पर विशेष प्रकार के मकान बनाने की कला देखने को मिलती है। रंगपुर अहमदाबाद में है गुजरात में, जहाँ से अभी हमने आपको दिखाया था कि रंगपुर से आपको क्या नाम है ये वीट क्रॉप के एविडेंसेस मिलते हैं। कोट दीजी जगह है, ये भी सिंध में है पाकिस्तान में, कोट दीजी। इसके अलावा रोपड़, रोपड़ पंजाब में है, यहाँ से भी आपको चावल के साक्ष्य दिखाई देते हैं कुछ थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा गंगानगर में है, गंगानगर राजस्थान में कालीबंगा। इसके अलावा आलमगीरपुर ये आपको मेरठ में मिलेगा उत्तर प्रदेश में, सुरकोटदा ये कच्छ में मिलेगा गुजरात में, बनावली ये हिसार हरियाणा में मिलेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और क्या नाम है आपका ये आपका धौलाबीरा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो पूछा जाता है अक्सर, धौलाबीरा ये भी जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका जो है कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और आप इनको आराम से बैठ करके याद कर सकते हैं। किसी को किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो आप उसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप मेरे साथ फेसबुक पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, और सभी लोगों को मैं ये शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप सब हमारे इस ग्रुप से, इस सिलेक्शन मेंटर के चैनल से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरीके से हम अगला क्रम, अगली सीरीज लेकर के आएंगे आपके लिए जीएस बूस्टर की, देखना मत भूलिएगा, ज़बरदस्त तरीके से इसमें आप लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक इस चीज़ को अवेयर कराने के लिए पहुंचा दीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।